देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर से रोपवे चल रही है और ऊपर से गाइस ये देखो पूरा बैरिकेड तैयार हो चुका है अभी फिलहाल स्टार्ट होने के लिए, कि कल से तो नवरात्रि है। हम लोग 50% यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आप कुछ भी पी खा सकते हो। 50% जैसे ऊपर आओगे तो यहाँ पर फोटो का शॉप मिलेगा, आप लोग को फोटो खिंचा सकते हो। देखो गाइस ये मन्नत वाली टीका रहता है जो पूरे सीढ़ी में निरंतर लगाते हुए आगे बढ़ता है। पूरे दिए जलाते हुए जा रहे हो दीदी आप? देख सकते हो सारे सीढ़ी में दिया जल रही है अभी फिलहाल। बम्लेश्वरी माता का पेड़ है भाई। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जो ऊपर का जो कार्यालय है वहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर महिला वाली लाइन है और उसके बगल में पुरुष वाली लाइन है। अरे जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए एक मैं शानदार व्लॉग लेकर आया हूँ इस नवरात्रि पर। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों तो अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आप रोप के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हो। तो रोप के जस्ट सामने खड़ा हूँ। इसका चार्जेस जो है शुल्क है जो 100 रुपीज़ आप लोगों को पड़ने वाली है, एक साइड जाना और एक साइड आना, दोनों का 100 रुपीज़ लेंगे। और उधर से वापसी में ही बस आने चाहोगे तो 50 रुपये लगेगा, जाना अगर चाहोगे तो 50 रुपये लगेगा। तो इस तरीके से रहती है। तो चलिए दोस्तों हम तो अभी फिलहाल पैदल चलने वाले हैं, आप सभी को दिखलाने वाला किस तरीके से पैदल चलना है और कहाँ चलना है। ये वाला जो रूट है अभी फिलहाल यहाँ से अभी फिलहाल मैं ऊपर चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और ऊपर माँ बम्लेश्वरी दर्शन करते हैं आज नवरात्रि से एक दिन पहले। यहाँ पर अभी फिलहाल सोने से पूरा मंदिर का जो सजावट किया गया है मंदिर में माता बम्लेश्वरी के जस्ट पीछे का, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। इस बार नवरात्रि कुछ खास होने वाली है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर से रोपवे चल रही है और ऊपर सीधा माँ बम्लेश्वरी मंदिर तक जाता है। उसके बाद आप रोप से उतरोगे तो 100 सीढ़ी आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और पैदल अपन चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। पूरे यहाँ पर माता रानी बम्लेश्वरी में नारियल वगैरह चढ़ाना है तो आप नीचे से भी खरीदारी कर सकते हो, अन्यथा ऊपर में तो आप लोगों को सीढ़ी चढ़ोगे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। गाइस ये देखो पूरा बैरिकेड तैयार हो चुका है अभी फिलहाल स्टार्ट होने के लिए, कि कल से तो नवरात्रि है। तो चलिए दोस्तों ये जो है कार्यालय है नीचे में, यहाँ से सीढ़ी प्रारंभ होती है, कल ये वाला सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा, जो एकदम खड़ा है वो सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो अभी थोड़ा ये वाला सीढ़ी में जाएंगे जो थोड़ा नॉर्मल सी और आसान है। जय माता रानी। और ये वाला सीढ़ी बहुत खड़ा है, पूरा पेंटिंग हो गया, बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। अभी अपन यहाँ से चालू करते हैं संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करते हुए। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज। आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। नारियल तो ले लिया आंटी। पूरा सीढ़ी है, आप देखो मौसम आज बहुत ज़्यादा खास हो रही है और बहुत ही बेहतरीन है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर प्लानिंग बनाए हैं कि इतने सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तो मौसम अच्छी है। तो यहीं से चलते हैं, आज स्टार्टिंग करते हैं इस नवरात्रि का प्रथम वीडियो माँ बम्लेश्वरी मंदिर। ये व्यू देखो पूरे डोंगरगढ़ का, और बस ज़्यादा नहीं थोड़ी सीढ़ी आए होंगे 50 के आसपास लगभग। आप व्यू देख कर तो समझ जाओगे कितने सीढ़ी आए होंगे हम लोग, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ही दूर चढ़े ना, व्यू देख देख के इतना अच्छा लगा था मुला, बहुत ही दिन बाद मैं आया हूँ डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करे बार। और ये नवरात्रि में आप मन भी आओ सोमवारी को दर्शन करे बार, थोड़ा छत्तीसगढ़िया में भी वीडियो बनाने लग थे। और व्यू देखा तो ना इतना ज़बरदस्त लगा थे, रेलवे स्टेशन दिखा थे MLA आप मतलब अभी नज़र आ हुई। और अभी फिलहाल सीढ़ी बचे हुए हैं, बहुत सीढ़ी बचे हैं, अभी आधा नहीं आया हूँ। नज़ारा देखो गाइस, ये है डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर का, जिसको डोंगरगढ़ कहा जाता है। हम लोग 50% यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आप कुछ भी पी खा सकते हो, नींबू का जूस, फ्रूटी वगैरह, पानी वगैरह पी सकते हो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सुविधा है। ये 50% अपन चर्च, ये देख सकते हो पूरा 50% में आप लोग को यहाँ पर नींबू रस वगैरह मिल जाएगी सुविधा, नारियल की भी सुविधा, नारियल वगैरह खरीद सकते हो यहाँ से, क्योंकि ऊपर में भी मिल जाएगा, बट अगर खरीदना तो यहाँ से भी आप खरीद सकते हो, प्रसाद वगैरह मिल जाएगी आप लोग को। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है अभी फिलहाल नवरात्रि का, कल से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 50% जैसे ऊपर आओगे तो यहाँ पर फोटो का शॉप मिलेगा, आप लोग को फोटो वगैरह खिंचा सकते हो। और बैकग्राउंड में माँ बम्लेश्वरी माता का देखो इस तरीके से बहुत सुंदर सा, हर एक दुकान में आप फोटो खिंचा सकते हो, शेर भी बैठा रहता सामने। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक छोटा सा यहाँ पर सीमेंट का मतलब ढलाई वाला जो बना हुआ है, आप लोग तो पहचान ही लिया होगा मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो काफ़ी दूर मैं आके ऊपर चढ़ चुका हूँ और यहाँ से नज़ारा देखने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आया था। देखो गाइस कितना बेहतरीन लग रहा है, हरा भरा, और इधर भी बहुत बेहतरीन लग रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया भाई। ये पूरा डोंगरगढ़ का नज़ारा है, इधर से सब सीढ़ी चढ़ रहे हैं और इस साइड से आप ऊपर जा सकते हो माँ बम्लेश्वरी पार्लर करके है, यहाँ पर कुछ खा पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, देन फ्रूटी वगैरह पी सकते हो। देखो गाइस ये मन्नत वाली टीका रहता है जो पूरे सीढ़ी में निरंतर लगाते हुए आगे बढ़ता है,
पूरे टीके में, पूरे सीढ़ी में लगा हुआ है ये। जो भी मन्नत करके किया होगा या तो नारियल चढ़ाते चढ़ाते जाता है। यहाँ पर जो दीदी है पूरे हर एक सीढ़ी पर दिया जलाते हुए जा रही है। पूरे दिए जलाते हुए जा रहे हो दीदी आप? देख सकते हो सारे सीढ़ी में दिए जल रही है अभी फिलहाल। इस तरीके से निरंतर पूरे सीढ़ी में दिए जलाते हुए जाएंगे, प्रसाद वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ से आपको। और भीड़ आज बहुत कम है। तो यही वो शिव मंदिर है जहाँ पर आप 75% ऊपर आ जाते हो। शिवलिंग भी आप लोगों को दिखाएंगे, नज़ारे तो बहुत बेहतरीन है। कई सारे दुकान लगे हुए हैं यहाँ पर, कई सारे। सो दोस्तों ये है शेषनाग, भोले बाबा का चित्र बना है पीछे। शेषनाग शिवलिंग टाइप में निकला हुआ है यहाँ पे। बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत से पुराना मंदिर है। देखो पूरा दुकान लगे हुए हैं, ये देखो पूरा दुकानें लगी हुई है सब चीज़ का। आपको निरंतर पूरे दुकान, ये कुछ कुछ बंद है, रात में बंद कर देते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं सब लोग। अभी नवरात्रि का पूरा तैयारी कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो का दुकान लगा रहे हैं फिर से यहाँ पर। पूरा दुकान लगा हुआ है भाई, ज़बरदस्त टाइप में परमानेंट दुकान है ये। अरे नाश्ता वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग को, चूड़ी वूड़ी श्रृंगार का सामान हो गया, खिलौना वगैरह हो गया बच्चे लोग का, ये सब आप लोग को यहाँ मिलेगा। बम्लेश्वरी माता का पेड़ है भाई, पूरे अलग अलग पेड़े है देख सकते हो। पूरे प्रकार के पेड़े हैं। ये वाला दुकान बहुत पहली बार लग, ये अभी फिलहाल नया चालू स्टार्ट हुआ है क्या? ये पेड़े का दुकान अभी फिलहाल, पहले तो नहीं रहता यहाँ, 5 साल नहीं हो गया ऐसे ही, हम पहली बार देखे लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पेड़े के प्रसाद मिल जाएंगी। ये यहाँ पर है कुछ खाना पीने का जगह, यहाँ पर नाश्ता वगैरह मिलेगा, उसी के बाहर में आप लोगों को पेड़े मिलेगा। तो उनको भी सब्सक्राइब करवा लिए, क्योंकि उनने पूछा कि कब आएगा भाई वीडियो, ये कब डालेगा ऐसे करके। तो मैं बताया कल मॉर्निंग 8 बजे डाल दूँगा मैं। तो बोला भैया मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पेन कॉपी लेके आया, बोला चैनल का नाम लिख दो, चैनल का नाम लिख दिया है। यहाँ से व्यू बहुत बेहतरीन आ रही है अभी फिलहाल। तो व्यू देखो, नज़ारा देखो, जो रात में और बेहतरीन लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है रात में, ये दिन का है। यहाँ पर अभी फिलहाल नारियल और प्रसाद वगैरह खरीद लिए हैं, और अभी फिलहाल मात्र 10 से 15 सीढ़ी बचा है, उसके बाद अपने को 100 सीढ़ी और मिलेगा। जो कि आप इसमें से भी आओगे, ट्रॉले से भी आओगे, तो भी आपको 100 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो वही 100 सीढ़ी और बचा हम लोग के लिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जो ऊपर का जो कार्यालय है वहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर महिला वाली लाइन है और उसके बगल में पुरुष वाली लाइन है। तो अभी फिलहाल अपन शूज वगैरह उतारते हैं, यहीं पे रखते हैं, उसके बाद अपन निरंतर आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पर पता चल रही कि आए हैं, पब्लिक आए हुए हैं। अगर सीढ़ी आप चढ़ोगे उसके बगल में ही यहाँ पर शूज रख सकते हो आप लोग, और अपन भी शूज रख दिए हैं। इधर से आप आओगे ट्रॉली से, और ये ऊपर से नीचे आने के लिए रास्ता है, पीने के लिए पानी यहाँ पर है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। लाइन महिला वाला है, ये पुरुष वाले, हम तो पढ़े लिखे हैं भाई, तो ऐसे क्यों करें? जो ना पढ़ा है उनकी बात अलग है, बट जो पढ़ा लिखा है वो गलत रास्ते पे मत जाओ। ये वाली रास्ता है पुरुष के, तो इस वाले रास्ते से चले। बस माता रानी के दरबार के लिए मात्र 100 सीढ़ी बचा हुआ है, और मैं तो नारियल ले लिया हूँ माता रानी में चढ़ाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त, पूरे बंदर लोग फूल मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो जबरदस्त टाइप में, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ओ देखो भाई सब दौड़ लगा रहे। शिव जी का मंदिर और साथ ही साथ दादी माँ मंदिर, ये देखो शिव मंदिर, शिव जी का मंदिर है, और साथ ही साथ यहाँ पर दादी माँ का मंदिर, ये देखो बहुत सुंदर सा। जय माता बम्लेश्वरी माता, जय माता दी, जय माता दी, आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे बम्लेश्वरी। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ, मात्र 10 से 12 सीढ़ी बचा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं बचा है, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। चलते हैं माता रानी का दर्शन करते हैं। डोंगरगढ़ का वाटर पार्क वहाँ पे है, अच्छा से नहीं दिख रहा होगा बट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है वाटर पार्क यहाँ से देखने में। सो कुछ ही सीढ़ी बचा हुआ है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट ये आ चुकी है मंदिर। और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई साहब, बेहतरीन नज़ारा है, A1 नज़ारा जिसको बोला जाता है। चलिए माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं इस नवरात्रि, और यहाँ पे बंदर है भाई, नारियल वारियल छीन लेता है ये। वो झूमर उमर आ चुका है सजाने के लिए। रानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों निरंतर ऊपर। जय माँ बम्लेश्वरी, बहुत ही खूबसूरत लग रही भाई, बहुत ही बेहतरीन। जय माता रानी, जय माँ बम्लेश्वरी, सबको मनोकामना पूर्ण करे माता रानी। इस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पर
माता रानी में भीड़ भाड़ है। माता रानी की जस्ट पीछे में बैकग्राउंड में जैसे देख पा रहे थे आप लोग कि कितने सोने में जो हुआ है, सोने में पूरा बैकग्राउंड बनाया गया है वो राजस्थान के कलाकार ने बनाया है और कुछ ही दिन में बनाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। नवरात्रि के कुछ दिन पहले से बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि अभी तक बहुत ही बेहतरीन लग रही है, बहुत ही बढ़िया सजावट किए गए हैं अंदर, फिर बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पर खड़े होकर मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया से अभी दर्शन हो चुके हैं माता रानी के नवरात्रि से पहले और आप सभी को भी दर्शन करा दिया गया होगा दोस्तों। और ये वीडियो जो है नवरात्रि के प्रथम दिन आएगा वीडियो, तो आप लोग भी पहले दिन ही आप माता रानी का दर्शन करने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पर कुछ बन रही है जो फिलहाल कला, यहाँ पर काम चल रहा है अभी फिलहाल, तो अभी पूरा हुआ नहीं है। और वहाँ पे ना एक मंदिर बन रही है, आप सीधे में दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ बहुत ही बेहतरीन सा मंदिर बन रहा है यहाँ पे। अब ये मंदिर किस चीज़ का है, कुछ काम करने वाले लोग भाई लोग जैसे कि बता रहे थे मुझे कि 3 किलो सोना से यहाँ पर जयपुर के लोग आए थे और 3 किलो सोना से यहाँ पर काम किए हैं, पूरे बैकग्राउंड में 3 किलो सोना लगाए हुए हैं, उससे पूरा डिज़ाइन बनाए गए हैं। अभी फिलहाल 2 किलो सोना और लगाएंगे, उसके बाद नवरात्रि के बाद लगाएंगे 2 किलो सोना और फिर से और अच्छा से यहाँ पर और डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन लगे। से दिखा देता हूँ डोंगरगढ़ के व्यू पॉइंट, जहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर व्यू पॉइंट है, जहाँ पर सब लोग बैठ बैठ के वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। अभी फिलहाल मैं नीचे के लिए जाऊँगा और ये पूरा डोंगरगढ़ का पूरा एरिया है, यहाँ से पूरा अच्छे से दिखेगा। ये रेलवे लाइन है और ये जो है कार बस ट्रक वगैरह के लिए लाइन है, ये सीधा लोग यहाँ पर पूरे बांध के चले गए हैं भाई। और यहाँ पर कुछ बुक्स मिल जाएंगी आप लोग को पढ़ने के लिए, रामायण वगैरह धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर मिलने वाली है आप लोग को, और माता रानी में चढ़ी हुई साड़ियाँ भी मिल जाएंगी आप लोग को। तो यहाँ पर देखो जितने भी बंदर हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत ही आरामदायक। और ये व्यू दोस्तों, अपन भी आ गए हैं व्यू पॉइंट की तरफ, थोड़ा बहुत कुछ वीडियो वगैरह बना लेते हैं और आप सभी को दिखा देते हैं। हमारे को इंस्टाग्राम पर सभी फॉलो कर दो ताकि निरंतर जो भी अपडेट है आप लोग को वहां पर सबसे जल्दी मिलने वाली है। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी। ये जो है व्यू पॉइंट चूँकि बेहतरीन दिखता है, यहाँ से मंदिर को भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर नारियल तोड़ के पूरे छिलके रखे हुए नारियल के, जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे कुंड बनाया, मतलब जो कि हवन कुंड टाइप में, और यहाँ पर ज्योति क्लास जलेंगे, आपको अलग अलग रूम मिलेगा ज्योति क्लास के लिए। अगर यहाँ पर ज्योति क्लास जलवाया हो तो आपको यहीं पर अपना ज्योति देखने को मिलेगा। और ये सब तैयारियाँ चल रही कल के लिए, बहुत ही बेहतरीन टाइप में। और अंदर में पूरा ज्योति क्लास का ये तेल वेल हो गया, बत्ती वत्ती हो गया, इस सब चीज़ का तैयारी चल रही है अभी फिलहाल, पूरा ज्योति क्लास की तैयारी इस तरीके से हो रही है अभी। और ये रूम है जहाँ पर ज्योत जलने वाली है, ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो सबका ज्योति क्लास ऊपर चले गया है, यहाँ पे रखा गया है, और पूरे अब 9 दिन तो यहीं पर ज्योति जलेगी और बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ये देखो भाई 2466 इतना 4 यहाँ पर ज्योति कलश जलती है। सो दोस्तों, डोंगरगढ़ में इस वर्ष जल रही है 6,500 ज्योति कलश जल रही है, जो कि तैयारियाँ पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है और कल तो पूरे अच्छे से यहाँ पर ज्योति कलश जो है चालू भी हो जाएगा, जलाने चालू हो जाएगा। पंडा भाई का लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत जन, क्योंकि बाहर बाहर से पंडा आते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख रेख करने के लिए। दोस्तों अभी नीचे उतर रहे हैं तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ से कुछ कुछ खरीद सकते हो आप लोग, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ मिल जाएंगी आप लोग को। ये देखो नाम वाम चाबी वाबी रिंग भी बना सकते हो, ये सब चीज़ गिफ्ट करने के लिए भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है ये सब चीज़ है। और ये देखो पूरा दुकान है, बहुत बढ़िया टोपी वगैरह ले सकते हो, प्रसाद वगैरह ले सकते हो, भेल वेल खा सकते हो, ये देखो सब जन खा। तो इस ब्लॉग को यही पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब भी करो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट और नवरात्रि के पर्व का बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेले वगैरह जो है उसका ब्लॉग मिलने वाली है हमारे चैनल पर। इस नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि नई नई वीडियो के जो अपडेट है आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बने रहो।